कथक के श्रेष्ठ नृत्याचार्यों की जीवनियों में आपका स्वागत है। आज हमारे इस चौथे एपिसोड में हम जानेंगे लच्छू महाराज जी के बारे में। लुच्चू से बिगड़ बिगड़ कर इनका नाम लच्छू महाराज हो गया, जबकि इनका वास्तविक नाम बैजनाथ प्रसाद था। इनकी नृत्य शिक्षा महाराज बिंदादीन जी, महाराज कालका प्रसाद जी और अच्छन महाराज के द्वारा संपन्न हुई। आप 10 वर्ष की अल्प आयु से ही नृत्य प्रदर्शन करने लगे थे। कुछ समय तक आप अपने बड़े भाई अच्छन महाराज जी के साथ रामपुर और रायगढ़ जैसे दरबारों में रहे, किंतु उनकी तबीयत वहां नहीं रमी, इसलिए वे सब छोड़कर बंबई चले गए, जहां फिल्मों में नृत्य निर्देशन करने के अलावा नूतन नृत्य निकेतन के नाम से संस्था भी खोली और उस संस्था में स्वतंत्र पूर्वक अपनी नृत्य शिक्षा प्रदान करने लगे। सन 1972 में ये कथक केंद्र लखनऊ के निदेशक भी नियुक्त किए गए। यहीं 19 जुलाई 1977 में आपका देहांत भी हुआ। आपको 1957 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी किया गया। श्री लच्छू महाराज एक कल्पनाशील कलाकार थे। कथक शैली में आपने आधुनिक ढंग से नृत्य शैलियों की रचना करने की दिशा में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय किसान, गांधी की अमर कहानी, मद निषेध आदि नृत्य संरचनाएं आपकी किसी भी समय में बहुत लोकप्रिय हुईं। परंपरागत कथक नृत्य में भी आपने कई प्रयोग किए, जैसे धातक थुंगा आमद को कृष्ण और राधा की छेड़छाड़ व गंगा अवतरण के भाव में दर्शाना। इसे वे हिंदू शैली के नाम से प्रस्तुत किया करते थे। आशा करती हूँ आपको हमारा श्री लच्छू महाराज की जीवनी का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे ताकि सभी नए सबक के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। धन्यवाद।